रुको रुको, नहीं राहुल ये डाउन है, राहुल ये डाउन है। हमारे ड्राइवर को आ रही थी नींद, वो सो गया है। सॉरी व्हाट ड्रिंक तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखते हैं आज का वीडियो। आगे कुछ है भी? ये ढा नीचे, ये रोड तो आ गया, चलो नीचे वाला। वो रोड भी वहां से आ रहा है ना, हम पक्के रोड उस पे गए थे। ओके, ठीक सही लग रहा है। और पता नहीं, पता चले एकदम से नीचे डम जाए यहाँ से। यहाँ से और देख लेना। एक पैर ऊपर ले जाके, एक पैर ऊपर ले जाके। आगे भी ध्यान रखना। राहुल रुको रुको रुको, नहीं राहुल ये डाउन है, राहुल ये डाउन है, राहुल ये डाउन है, राहुल ये, राहुल ये डाउन है। नहीं राहुल यहाँ पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। क्या डाउन है? पीछे जाओ। मम्मा इतना डरती है क्या? नहीं राहुल यहाँ से नहीं, राहुल यहाँ से नहीं, यहाँ से। पागल है, डाउन है। राहुल नहीं, हेल्प मी, हट जा राहुल। ओह माय गॉड, हे भगवान। ये रास्ते जाने का, तूने भी डैडी को ओपन देख, और वो भी दरवाजा खोल के। दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे? दरवाजा खोल के गाड़ी कौन चलाता है? बच्चे भी ऐसे, बापू भी ऐसे। लगी ना गाड़ी? इतनी तो लगेगी, इतनी तो लगेगी। पलट गई जो तू बोल रही थी? पलट जाती तो, पलट जाती तो, ऐसे पलटती होंगी गाड़ी है ना। हाँ, एक स्लोप सा है जैसे साइकिल का। चुप कर जा, साइकिल नहीं पलटती। क्या बोल रहे? राहुल डाउन है, राहुल डाउन है, राहुल डाउन है, राहुल डाउन है, राहुल डाउन। तेरी पिटाई करने वाली हो रही है बच्चे। डैडी सुस्ती में, डैडी कह रहे मैं तो नहीं खा पाऊंगा। फ्रेंड्स, हमारे ड्राइवर को आ रही थी नींद, वो सो गया है। और पीछे डैडी का फेस दिखा दो। दिखा दिया। हेलो, ये वो पुल है जिसके, जिससे हम लोग कहाँ जाते हैं? सो मुरेरी। और हम उस साइड से आए थे, अब हम जाएंगे यहाँ पर जहाँ व्हीकल्स खड़े थे, वहां से आए थे हम। हम वापस मुड़ के, हाँ नियो के फैन खड़े हैं। ये देखो यहाँ के पहाड़ कैसे है, जिराफ जैसे शेडेड, कैसे धारी। पाइथन, हाँ पाइथन, पाइथन की तरह इनका कलर है, शेड है। डिजाइन कैसा बना हुआ है। ये कौन सा ब्रिज है पता नहीं। ठीक है, चुमाथांग ब्रिज था ये। तो फ्रेंड्स, हम लोग चुमाथांग पहुंचने लगे हैं। एक्सक्यूज मी, हॉट स्प्रिंग कहाँ पर है? यहाँ से नीचे, यहाँ से गाड़ी नीचे जाएगी। उधर से नीचे जाने का रास्ता है, गाड़ी का है ना। हाँ गाड़ी का, वैसे पैदल भी जा सकते हैं। पैदल कितनी दूर है? नजदीक है ना, नजदीक है। अभी तो आप यहाँ से सामने, गाड़ी नीचे यहाँ तक आएगा। आएगा, ओके ठीक, थैंक यू। यहाँ से, यहीं से बोला हुआ उसने, यही कह रही थी ना। वैसा लग रहा है कुछ नहीं यार, यहीं से बोला है, यही सही है। फिर यहाँ से ऐसे टर्न करके वो पानी के पास चले जाते हैं, और वो वहीं पीछे कह रही थी यही है टर्न। हॉट स्प्रिंग कहाँ पर है? हॉट स्प्रिंग ऊपर से रास्ता है, नहीं नीचे से गाड़ी का रास्ता है बता रहे हॉट स्प्रिंग के लिए। अच्छा, वहां से आगे से? सॉरी, ये वाला यहाँ पर सारे के सारे टर्न ऐसे हैं जैसे स्लोप बिल्कुल। अरे टर्न तो यहीं से ही है, लेकिन ये थोड़ा अंदर की तरफ, ये
इतनी ऊपर कहाँ चढ़ा देते, तुम तो ना इस गाड़ी को पता नहीं क्या बना रखा है, ये तो बेचारी झेल रही है। जियोथर्मल डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, हाँ जहाँ ये बोर्ड लगा होगा, जियोथर्मल डेमोंस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, इसी के साथ ही है। ये दो डिवाइडर है, एक वो रास्ता जा रहा है और एक ये, हम गलती से उधर चले गए थे, ये वाला रास्ते चल रहा है। यही गाड़ी पार्क करके हम जा रहे हैं, हॉट स्प्रिंग्स दिखाते हैं तुम्हें, चलो। कैसा फील कर रहे हैं आप आज? पता नहीं। पता नहीं? क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? क्योंकि यहाँ पे कुछ भरा हुआ है। हाँ। क्या भरा हुआ है? दिमाग है, इंटेलिजेंस। अच्छा। हाँ। हाँ जी, कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? गंदा फील कर रहे हैं? यही रास्ता होगा, चलो देखते नीचे, चलो। ये देखो गर्म पानी निकल रहा है, वो देखो गर्म पानी कैसे निकल रहा है। हाँ गरम है, गरम है। गरम यार, नीचे लावा है। हाँ तभी तो गरम पानी निकलता होगा। हॉट स्प्रिंग व्यू तो आगे ग्रीन बोर्ड में। थैंक यू। वो वहां पर है गरम आगे। हाँ। वो देखो वहां से स्टीम निकल रही है। हाँ। देखिए कितना बॉइल हो रहा है। एक आधा ऊपर होएगा ना। हाँ मेरा दिमाग खराब है, मैं टच करूँ इसको। देखो अरुण नदी के कितनी क्लोज है, यहाँ पे इंडस रिवर बह रही है और यहाँ पे पानी उबल रहा है। हाँ हो सकता है, पत्थर भी हल्के हल्के गर्म है। देखो हाथ लगा के बाल धो ले, तेरे बाल ऑयली हो रहे थे। तो फ्रेंड्स ये है चुमाथांग विलेज, और चुमाथांग विलेज के साथ ही ये इंडस रिवर बह रही है। रिवर के किनारे पे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, तो जैसे ये आप ये देख रहे हो इस टाइप के बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं और ये पानी एक्चुअली बहुत गर्म है। बट ये है कि बच्चों के लिए क्या कि मेरे लिए भी, मैंने भी नेचुरल हॉट स्प्रिंग कभी नहीं देखा, मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। और ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं ये बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि
क्योंकि जब भी हम बच्चों को ये चीजें दिखाते हैं तो वो बुक से ना पढ़कर अपनी नॉलेज रियल लाइफ से नेचर से एक्सप्लोर करते हैं, और उस नेचर से जब आप नॉलेज को गेन करते हो तो कभी नहीं भूलते हो। दो बहाने और एक यहाँ, तीन हॉट स्प्रिंग्स देख चुके हैं क्योंकि बड़े बेटे की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। इवन मेरे को भी थोड़ा सांस फूल रहा था, मैंने वहाँ पर बैठा है बेचारा, हेडेक हो रहा है उसका। नियो आ जाओ। नियो, तो अभी हम सोच रहे हैं क्योंकि 3:30 बज चुके हैं, वैसे तो बीच में खाते पीते ही आ रहे हैं, पता नहीं किसी को कितनी है, बट मैं चाह रही हूँ कि शायद ये थोड़ा बहुत कुछ खाने की चीज और इसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए और उसके बाद हम सीधा कहाँ पहुँचेंगे, हम कारू, उसके बाद हम सीधा कारू पहुँचेंगे, ठीक है। और अगर गलती से टाइम पर पहुँच, वैसे चांसेस कम है टाइम पर पहुँचने के, बिकॉज ऑलरेडी 3:30 हो चुके हैं, 4 बजने वाले हैं शायद, तो अगर हमें ठीक से लगा, थोड़ा बहुत भी टाइम मिला, हैरिस फॉरेस्ट देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमें टाइम नहीं मिला तो हम उसको स्किप कर देंगे। देखना मुझे डरा नहीं लायक लड़के, चलो मैं कब तो बीमार है, डांट भी नहीं सकती इसे। 4:10 हो रहे हैं और क्या, चलो 3:30 हो रहे हैं, चलो भाई। न्यू पंजाबी ढाबा रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ऐसे तो कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पर ब्रेकफास्ट लंच डिनर वाला, इन्होंने बोला सिर्फ छोले पूड़ी मिलेगी और या फिर मैगी, मतलब यहाँ पर आपको ड्रिंक्स मिल जाएंगी, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफीज, बिस्किट्स, चिप्स, बट खाने के लिए नहीं। राहुल उसमें तो लिखा है पंजाबी ढाबा और उसमें लिखा है कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर, ब्रेकफास्ट लंच डिनर में तीनों में यही देते हैं क्या, लंच डिनर है, लंच में तो कुछ है ही नहीं। अरे सब मेरा है, मैगी ठीक थी, इस सब्जी वाली मैगी बनवाई थी हमने, तो मैगी ठीक थी जैसे सब जगह हर जगह होती है, मतलब ना स्पेशल अच्छी ना बुरी, ओके। और रोटी बहुत बेकार थी, पता नहीं कौन सा आटा था, क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। 5 बज गए हैं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमें कम से कम दो घंटे लगेंगे, वैसे ये कम से कम वाला ज़्यादा ही कम बता रही हूँ मैं, 2:30 घंटे आराम से लग जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम पहुँच गए हैं उपसी और यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, हमारी लेफ्ट साइड पर चंडीगढ़ मनाली का रास्ता है और हमारी राइट साइड पर श्रीनगर ले कारगिल थिक्से का रास्ता है। हम पहुंच तो गए थे लेकिन हाँ, यहाँ पेट्रोल पंप आए हैं यूरिया डलवाने, अगर यूरिया हमने नहीं डलवाया टाइम पर, क्योंकि उसमें आ चुका है कि 500 किलोमीटर के बाद गाड़ी बंद हो जाएगी, स्टार्ट नहीं होगी, इंजन बंद हो जाएगा, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए अभी हम पेट्रोल पंप पे आए हैं। अब पेट्रोल पंप पे देखते हैं, पूछते हैं इनके पास यूरिया है या नहीं है, होना चाहिए तो डलवाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।